चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा की शुरुआत देखिए हुई है, केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल गए हैं, यमुनोत्री के कपाट भी खुल गए हैं। केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। अब तक 22 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 12:20 पर गंगोत्री के धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। देखिए तस्वीरें, देखिए कितनी भव्य सजावट यहां पर नजर आ रही है। 6 महीने का जो इंतजार यहां पर है वो खत्म हुआ है। एक बार फिर से भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए, गाजे बाजे के साथ। देखिए किस तरह से धूमधाम से आज भक्त जो पहुंचे, चारधाम यात्रा की शुरुआत जिस तरह से हुई है। केदारनाथ मंदिर की तस्वीरें, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देखिए सेना के किस तरह से जवान यहां पर नजर आ रहे हैं। आज यमुनोत्री के कपाट भी खोल दिए गए हैं और फूलों से किस तरह से सजावट की गई है ये आप देखिए। यहां तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए। और ये देखिए किस तरह से रंगारंग प्रस्तुतियां यहां पर की गई। आज का ये दिन बेहद ही बड़ा दिन, अहम दिन। ये दो तस्वीरें, एक तरफ ये हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा होगा और दूसरी तरफ मंदिर की तस्वीर। मंदिर की सजावट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह आज के दिन को लेकर होगा। देखिए हेलीकॉप्टर से किस तरह से फूलों की बारिश यहां पर की गई मंदिर के ऊपर, भक्तों के ऊपर। भव्य तस्वीरें जी न्यूज पर केवल आप देख पा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है यहां पर, आज सुबह 6:55 पर केदारनाथ मंदिर के कपाट यहां पर खोले गए अब एक एक करके। और ये देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर नजर आए भक्तों के बीच। देखिए इस यात्रा का पूरे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत इसकी प्रतीक्षा रहती है और आज ये शुभ दिन आ गया। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों।